नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। देश में कई बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारतीय होने पर सवाल उठाता रहा है। बीजेपी ने भी इस मुद्दे को कई बार उठाया है। दरअसल राहुल गांधी को कई बार भारतीय ना होते हुए विदेशी बताया है, क्योंकि राहुल गांधी की मां यानी सोनिया गांधी इटली की मूल निवासी रही है। राजीव गांधी से शादी के बाद वो भारत आई और यहीं की होकर रह गई। इसी के चलते राहुल को भी विदेशी मूल का कहा जाता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता का एक मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है। वहीं राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ पड़ी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की अदालतों में उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा है। तो वहीं राहुल की नागरिकता से संबंधित सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 24 अक्टूबर तय की। देखिए पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई 24 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई। डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने राहुल गांधी की नागरिक संबंधी लिखित जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से प्राप्त करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर तक टाल दी। बता दें कि लखनऊ हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई, उसमें राहुल गांधी के विदेशी नागरिक होने का दावा किया गया है। कर्नाटक के रहने वाले एस विघ्नेश शिशिर ने 12 सितंबर को दायर जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने अमेठी से सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के यूके का नागरिक होने का दावा किया है। शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने मामले की गहन जांच की और कहा कि उन्हें जो गोपनीय जानकारी मिली है, उससे पता चला है कि गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। एस विघ्नेश शिशिर ने सीबीआई जांच की मांग के साथ ही राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की भी मांग की है, जहां कोर्ट ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र को निर्देश दिया कि मामले की जांच करे। जाहिर है राहुल गांधी की नागरिकता पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। वर्षों पहले सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी, उसमें राहुल की नागरिकता के मामले पर गृह मंत्रालय को जल्द जांच के निर्देश दिए जाने की गुहार लगाई गई थी। तब तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने याचिका खारिज कर दी थी। 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस तरह के सवाल उठाए थे। हालांकि नागरिकता पर उठ रहे सवालों को कांग्रेस नेता और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी पहले ही खारिज कर चुकी हैं। प्रियंका ने कहा था कि पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी हैं और वे सबके सामने पैदा हुए बड़े हुए। उन्होंने राहुल की नागरिकता पर उठ रहे सवालों को बकवास बताया था। खैर, एक बार फिर ये मामला तूल पकड़ा है और आगे कहां तक जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।